नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है ऑफिस। आप अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस खोलने जा रहे हैं या आप अपना ऑफिस किसी और काम के लिए खोलने जा रहे हैं और आपका अपना ऑफिस साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य फेसिंग है, तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार किस प्रकार से अपने ऑफिस के अंदर का सेटअप करना चाहिए। आपने ये जगह परचेज की हुई है या आपकी ये जगह किराए की है, उसमें आपकी एंट्रेंस किस जोन में बनी हुई है, उसके ऊपर आपके अंदर का सेटअप डिपेंड करता है कि आपका सेटअप किस प्रकार से होना चाहिए। अब जिस ऑफिस की बात मैं करने जा रहा हूँ वो साउथ वेस्ट फेसिंग ऑफिस है और प्रॉपर्टी का ऑफिस यानी प्रॉपर्टी सेल परचेज का ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं। उसमें जो एंट्रेंस बनी हुई है वो साउथ वेस्ट से साउथ की ओर, यहाँ से एंट्रेंस बनी हुई है। ये एंट्रेंस एज पर वास्तु ओके है। वैसे तो फेसिंग साउथ वेस्ट की अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों अच्छी नहीं मानी जाती? क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट का भाग हमेशा के लिए ओपन हो जाता है, तो ऐसे में साउथ वेस्ट फेसिंग कोई भी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन उसको अगर सही तरीके से किया जाए तो वो एज पर वास्तु सही हो सकता है। हाँ, 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसमें 70% 80% रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए ये साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, इसके सामने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है और इसके लेफ्ट और राइट में भी साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टियाँ ही आएंगी और उसके सामने जो प्रॉपर्टी आएगी वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी आएंगी। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है इस सड़क के ऊपर लेफ्ट और राइट में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग और साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी ही बनेंगी। ऐसे ही ठीक इनके बैक साइड में भी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग और साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी बनेंगी। अब वो एरिया सारा ही ऐसे डायगोनल बना हुआ है और उसी एरिया में आपने काम करना है, तो आपकी अपनी मजबूरी है कि आपको इस तरह की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। जब आप इस तरह की प्रॉपर्टी ले तो उसमें अंदर का सेटअप हमेशा ही सही होना चाहिए। अंदर का सेटअप सही होगा तो आपके यहाँ वर्किंग हमेशा अच्छी आएगी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी अपनी एंट्रेंस है वो साउथ कॉर्नर से है, ये एंट्रेंस बिल्कुल सही है। फ्रंट का भाग यानी जो आगे का हिस्सा है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और यहाँ पर फ्रंट के भाग में पानी का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पानी का छिड़काव कर लेते हैं, वो पानी का छिड़काव भी आपने फ्रंट के भाग में बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपका अपना फिक्स ग्लास आ जाता है और साउथ कॉर्नर से आपकी अपनी एंट्रेंस बनती है। आपने अपने यहाँ पर जो सीटिंग बनानी है वो सीटिंग आपने इस प्रकार से एल शेप में बनानी है। यहाँ पर आप अपनी सीटिंग बना सकते हैं। आपने सिंगल व्यक्ति ने बैठना है तो सिंगल भी बैठ सकते हैं और डबल व्यक्ति की सीटिंग यानी डबल पर्सन की सीटिंग बनानी है तो वो आप यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। आपका यहाँ जो विजिटर आएगा, जो आपका क्लाइंट आएगा, जो कस्टमर आएगा, वो आपके सामने यहाँ पर बैठ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर जो सोफ़ा लगाना है वो सोफ़ा आप यहाँ पर लगा सकते हैं और ठीक इसी के सामने एक अपनी टेबल भी लगा सकते हैं। वो टेबल का साइज, सोफे का साइज छोटा बड़ा आप अपने स्पेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, जो आपकी अपनी टेबल बनेगी, जो आपकी अपनी चेयर्स आएंगी, ये सभी आपकी ऑफ वाइट कलर की या वाइट कलर की आनी चाहिए। जो आपका अपना सोफ़ा रखा जाएगा ये सोफ़ा आपका ग्रे कलर का, सिल्वर कलर का होना चाहिए। मंदिर आपने कहाँ लगाना है? मंदिर आप अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट जोन में यहाँ पर आप अपना मंदिर लगा सकते हैं और आपने अपने यहाँ पर फ्रंट में जो फिक्स ग्लास है इसके ऊपर ब्लाइंड्स लगानी है तो वो ब्लाइंड्स आपकी क्रीम कलर की आनी चाहिए। कौन से कलर की आनी चाहिए? क्रीम कलर की आनी चाहिए।
ये तो हमारा ऑफिस का सेटअप हो गया कि इस प्रकार से आप अपना ऑफिस का सेटअप कर सकते हैं। अब आपने इसी में बैक साइड में कुछ एरिया और कवर किया हुआ है जिसकी एंट्रेंस यहाँ से है। यहाँ पर आपने अपनी पेंट्री बनाई हुई है, ये आपकी पेंट्री की स्लैब है। इसमें यहाँ पर आपने अपनी गैस रखी हुई है जो कि एज पर वास्तु सही है। यहाँ पर आपने अपना सिंक लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? सिंक। ये सिंक भी आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जोन में यहाँ पर आपके अपने टॉयलेट बनाई हुई है। ये टॉयलेट आपकी गलत है जो कि एज पर वास्तु सबसे ज़्यादा गलत मानी जाती है। अब ऑफिस है तो टॉयलेट तो बनानी पड़ेगी। कोई कस्टमर आपके यहाँ आया हुआ है और वो काफ़ी समय से बैठा हुआ है या उसको अपना वॉशरूम यूज़ करना है तो वो कहाँ जाएगा? उसके लिए वॉशरूम तो बनाया ही जाएगा। वॉशरूम जो आपका नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है ये यहाँ पर गलत है। इसकी जो एंट्रेंस है वो यहाँ से है। वॉशरूम में हमेशा ध्यान रखना, आपका वॉशरूम हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें जो पॉट लगेगा, जो शीट लगेगी, वो शीट आपकी यहाँ पर इस दीवार पर आनी चाहिए फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की ओर। वॉश बेसिन आपने लगाना है तो वॉश बेसिन आपका नॉर्थ ईस्ट वॉल पर आएगा। यहाँ पर आपका अपना वॉश बेसिन आएगा और इसी के ऊपर आप अपना मिरर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है जो आपकी अपनी ये टॉयलेट है, इस टॉयलेट के अंदर स्काई ब्लू कलर ऑफ वाइट कलर ही इस्तेमाल करना है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और दोनों मिक्स करके करना चाहें तो दोनों मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपने एक अंदर सिटिंग जोन भी बनाई हुई है, उसकी एंट्रेंस आपकी यहाँ से है। ये एंट्रेंस बिल्कुल सही है। इसमें जो सोफ़े लगाने हैं वो सोफ़े आप यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी एक टेबल आ जाएगी क्योंकि आपका प्रॉपर्टी का काम है। जब आपने अपने किसी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है तो आप अंदर बैठ के अपनी मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बैठकर मीटिंग करने से आपकी मीटिंग सक्सेसफुल ज़रूर होगी। किन लोगों की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती? जिसका गेट यहाँ पर इस जोन में आ जाता है, यहाँ से एंट्रेंस आ जाती है और यहाँ इस तरीके से बैठते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट वॉल पर साउथ वेस्ट की ओर फेस करके और नॉर्थ वेस्ट वॉल पर साउथ ईस्ट की ओर फेस करके बैठते हैं, तो ज़्यादातर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एंट्रेंस आपने हमेशा ही यहाँ रखनी है, ये एंट्रेंस बिल्कुल भी नहीं रखनी। आपने यहाँ पर जो सोफ़े लगाने हैं वो सोफ़े आपके ग्रे कलर के, लाइट ब्लू कलर के, सिल्वर कलर के होने चाहिए। ये सेटअप जो मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से सेटअप करने से मेरा अपना मानना है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो ऑफिस है उस ऑफिस में हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहेगी, आपके यहाँ काम आएगा भी और आपकी जितनी डील है उनमें से ज़्यादातर डील आपकी सक्सेसफुल भी ज़रूर होंगी। अब इसमें मैं आपको कुछ खास बातें और बताना चाहूँगा। आपका अपना ऑफिस इसी प्रकार से लगभग मिलता जुलता बना हुआ है और आपको रिजल्ट बेहतर नहीं मिल रहे तो आप एक काम करें, आपकी चेयर यहाँ पर मैरून कलर की है या ब्राउन कलर की है तो इन चेयर्स के ऊपर, यानी जो ओनर की चेयर है उस चेयर के ऊपर आपने क्रीम कलर का या वाइट कलर का टॉवल ज़रूर रखना है। जो टॉवल का साइज़ होना चाहिए वो फुल साइज़ होना चाहिए ताकि चेयर प्रॉपर तरीके से ढक जाए या आप अपनी चेयर बदल सकते हैं। इसी के साथ आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे गेट से एंट्री करते हैं, गेट से एंट्री करते ही राइट एंड पर यहाँ पर इस जोन में एक 100 वाट का बल्ब ज़रूर लगाएं। जो पुराने समय में 10-12 रुपए का बल्ब आता था, येलो रोशनी वाला बल्ब आता था, वो बल्ब आप साउथ जोन में साउथ ईस्ट की ओर ज़रूर लगाएं। यहाँ पर बल्ब लगाकर और इस बल्ब को ऑन करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि महीने में आपके पास 25 दिन की वर्किंग प्रॉपर तरीके से ज़रूर होगी। आपके यहाँ जितनी भी डील होंगी मैक्सिमम डील फाइनल हो जाएगी। क्या काम करने से? 100 वाट का बल्ब अंदर लगाने से। सिर्फ बल्ब लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको वो बल्ब भी ऑन रखना है। सुबह से लेकर शाम तक वो बल्ब आपका ऑन होना चाहिए, चालू होना चाहिए। अब इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपका जो फ्रंट का एरिया है, जो साउथ वेस्ट का एरिया है, यहाँ पर आप कैमल कलर का डोरमैट
लगाएंगे तो उससे भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे। सिर्फ एक डोरमेट बाहर साउथ वेस्ट जोन में लगा देते हैं, कैमल कलर का लगा देते हैं, तो आपके यहाँ रिजल्ट बेहतर जरूर मिल जाएंगे। अंदर ऑफिस के अंदर जो कलर स्कीम होनी चाहिए वो कलर स्कीम आपके यहाँ ऑफ वाइट कलर की होनी चाहिए, सीलिंग वाइट होनी चाहिए। इसी के साथ जो आपका अपना फ्रंट में बोर्ड लगेगा, बोर्ड का जो कलर होना चाहिए वो येलो कलर, क्रीम कलर, रेड कलर, मैरून कलर, बेज कलर और वाइट कलर, ये कलर आप अपने यहाँ फ्रंट में बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने अपना नाम लिखना है, जो आपने अपना बोर्ड लगाना है, ये कलर आप उस बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ तब भी वर्किंग प्लस हो जाएगी। जिस व्यक्ति के यहाँ साउथ वेस्ट जोन में ब्लू कलर आया हुआ है या ब्लैक कलर है या ग्रीन कलर है, तो मेरा अपना ये मानना है कि उसके यहाँ डील जो भी फाइनल होती है उस डील में हमेशा ही दिक्कतें आती है। जो भी डील होती है वो डील होने में, उस डील को पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, और कहीं ना कहीं आपको अपने कस्टमर के सामने, अपने क्लाइंट के सामने नज़रें झुकानी पड़ती है क्योंकि आपका काम समय पे नहीं होता। क्या काम होने से, जब यहाँ पे आपके यहाँ फ्रंट पे ब्लू कलर आ जाता है या ग्रीन कलर आ जाता है, आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप अपनी नई साइट बना रहे हैं, उसमें आप अपना ऑफिस बना रहे हैं या आप अपना घर बना रहे हैं या आप अपनी फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं या अपने घर को, फैक्ट्री को या ऑफिस को या शॉप को या शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं, और आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसे भी मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, और आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी और भी जितनी पुरानी वीडियोस हैं, जैसे ये मेरी वीडियोस हैं, इनको भी आप अपने यहाँ ज़रूर देख सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 450 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, अलग अलग विषयों पर डाली हुई है, डायगोनल प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, आपका अपना गाड़ियों का शोरूम है या आपका अपना टू व्हीलर का शोरूम है या आपका अपना गोडाउन है या आपने अपना कॉस्मेटिक का शोरूम खोला हुआ है या आपकी अपनी छोटी सी दुकान है या आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है या आपका अपना होटल है या स्कूल है या कॉलेज है या आपका अपना इंस्टीट्यूट है और अच्छा नहीं चल रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मेरी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।